तो ये आज हमारे घर में बन रही है बिरयानी नए नए भगोने। नाइट का व्यू तो मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए डे का व्यू कितना अच्छा लगता है। सामने पूरा पहाड़ पहाड़ है ना, क्योंकि आगे ना बाबदेव घाट है और मैं और भाई यहीं पे सो गए थे रात में। ये गैलरी ना एक रूम के जैसा ही है, इतना बड़ा है, फिर भी ये हटाएंगे तो चार लोग आराम से सोएंगे। और रात में तो इतना मज़ा आता, इतनी ठंडी ठंडी हवा रहती, उसमें हमने कूलर भी लगाए थे। ऐसे गर्मी भी हमारे को ऐसा लग रहा था कि ठंडी इतनी लग रही थी, इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ से। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, बी जस्ट सिट डाउन। कितना मस्त लग रहा है यहाँ से गैलरी में रुकने को, और व्यू भी माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश आएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी कहाँ से बारिश, अभी तो गर्मी स्टार्ट हो गई है। आज नाश्ते में बने हैं पोहे, मैंने ही बनाई हूँ। अम्मी वहाँ पे काम कर रहे हैं, अभी ये वाले जो दरवाजे इसको भी फिनिशिंग करनी है पूरी, पता नहीं अभी कब करेंगे। अभी तो समीर गए हैं नीचे ऑफिस में बोलने के लिए। वो गैलरी में अभी धूप आ रही है तो मैं इधर आया, यहाँ पे धूप छाओ है। यहाँ पे तो धूप मेरे को ऐसा लगता है आएंगी नहीं शाम तक। अभी देखिए दिन में भी कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कल मैंने नाइट में ही दिखाया था तो उतना आपको दिखा नहीं होगा क्लियर पिछले वाले वीडियो में हमारे। अभी देखिए कितना मस्त लग रहा है। ये देखिए आज सुबह से इतने बिजी है, नाश्ता विश्ता कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हाँ सच में अच्छा ला जाओ, ये यहीं पे बैठ के मैंने नाश्ता किया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है उल्टा यहाँ पे तो। और ये सब रखना भी है ना यहाँ पे, मेरे को लगता धूप नहीं आती रहेगी। हाँ मैंने भी वही सोचा, आई थिंक ना भाई ने बोला कि सूरज ना वो साइड ढलता है देखो पहाड़ के। हाँ तो वहाँ पे नहीं आती हूँ। ठीक है अभी चलो मैं जाती कपड़े लगाती हूं। मुझे भी देना है, मेरे भी कपड़े बहुत हैं। हां दे दो ना मुझे। ठीक है चलो। वो भाभी का जो कबर्ड है ना नीचे, ये देखो मस्त लग रहा है ना। मस्त। अभी क्या करो, अभी मेरे को नहाना है आगे, थोड़ा फ्रेश होना है। हाँ। और नहा के मेरे को वापस से सो जाना है। मुझे मैं बैठा यहाँ पे, मेरे को आगे बोले कि अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। बोला हाँ, बोला नहाने के बाद मेरे को बोलेंगे कहीं बाहर जाएंगे वीडियो वीडियो बनाएंगे नीचे, मेरे को बोलते अभी नहाऊंगी फिर आके सो जाऊंगी। क्योंकि ना रात में मेरी नींद नहीं हुई, मैं और भाभी ना 4:30 बजे तक जागे थे, ऐसे ही बातें कर रहे थे। हम भी जागे, मैं और भाई भी कितने 5 बजे सोए हैं। रील्स वीडियो बनाएंगे ना दिन में अच्छे आएंगे ना, क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा है ना तो अच्छा। हाँ लेकिन मेरे को ना पहले मेरे कपड़े सूखने चाहिए। ठीक है चलो, मेरे भी कपड़े मैं देता, मेरे भी लगा दो, मेरे भी बहुत सारे ऐसे धोने। अभी मैं ना बार बार आप लोगों को एक या दो ड्रेस में ही दिखूंगी तो बोलना मत, क्योंकि मैं ना अभी कपड़े में पैसा बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती, बहुत वेस्ट हो रहा है। पैसा वेस्ट कर चुके हैं, अभी मैं जो लूंगी ना वो मेरे को फ्यूचर में काम भी नहीं आने वाला, उससे अच्छा मैं अभी जो है वो पहनूंगी। इसलिए मुझे कमेंट मत करना कि आप एक ही ड्रेस में दिख रहे हो, आप एक ही गाउन में दिख रहे हो, अभी समझ लो जरा, समझ के ले लो। तो ये अभी हमारा घर क्लीन हो रहा है, ये आए हैं पूरा साफ करने के लिए। अभी ये डोर भी पूरा हो गया है क्लीन, कल देखे ना कैसा था, अभी अच्छे से फिनिशिंग हो गया है और भी अच्छा लगेगा। और अभी गैलरी का भी हो रहा है और हॉल का थोड़ा बाकी है, ये हॉल का भी पूरा चालू है, ये भी पूरा एक बार निकल गया। ये देखा ऐसे प्लास्टिक था उसको पूरा निकाला है, अभी निकालने के बाद पूरा अच्छे से फिनिशिंग देंगे वो, फिर मस्त लगेगा। अभी काम चालू है, अभी कुछ सेट हुआ नहीं है यहाँ पर। अभी हम जा रहे हैं डीमार्ट को, मैं भाभी और फरा, भाई भाई हमें छोड़ के वापस आएंगे, फिर हम तीनों शॉपिंग करेंगे, फिर भाई हमें लेने आएंगे। अभी मैं नीचे आया हूँ क्योंकि देखते हैं भाई क्या कर रहे हैं, गाड़ी ये बहुत गंदी हो गई है तो वही वो क्लीन कर रहे हैं, तो जाके थोड़ा उनकी हेल्प करते हैं क्लीन करने में, तब तक ये लोग ऊपर रेडी हो जाएंगे फिर आ जाएंगे नीचे। मैं आया था नीचे, मुझे लगा भाई यहीं पर कहीं गाड़ी क्लीन कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर तो नहीं दिख रहे, मुझे कॉल भी किया पर कॉल उठाने रहे, आई थिंक कहीं दूर गए होंगे, देखते हैं। चलो मैं तो नीचे आ गया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। काश अगर फरा जल्दी आएंगे तो हमारे रील्स वीडियो भी बनेंगे, क्योंकि मेरे को ये प्लेस बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुला खुला है, वीडियोस भी बहुत अच्छे आएंगे। एक बार मैं आपको
दिखा देता हूँ क्योंकि पिछले व्लॉग में ना मैंने नाइट में दिखाया था तो उतना क्लियर आई थिंक आपको दिखा नहीं होगा। अभी मैं दिखाता हूँ ये सब। ये जो है यहाँ पे अभी काम चल रहा है। ये पीछे क्या बन रहा है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे गार्डन बनने वाला है और ये नीचे पार्किंग है और ऊपर भी है और ये सामने गेट बनने वाला है जैसे कि मैंने बताया था। और ये है वो सोसाइटी, ये फर्स्ट वाला ही अपनी गैलरी है। अभी मैं फरा को वहाँ पे बुलाता हूँ कॉल करके, देखिए फरा आएंगे अभी वहाँ पे। तो फरा को कॉल करके मैंने बोला है, आई थिंक मैंने उनके नींद ख़राब किया, वो सोए हुए थे। बोले क्यों? मैंने बोला अरे आ जाओ ना करके। अभी देखें कन्फ्यूज हो रहा है मेरे को, ये वाला है या उसके ऊपर वाला है, अभी फरा आने के बाद ही पता चलेगा। ये आ गए आ गए आ गए देखिए जूम करता हूँ, इतने ऊपर लग रहे हैं, हाथ कर रहे हैं। अब यहाँ से तो मैं उनको आवाज़ लगा के भी बात नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ऊपर है वो। चलो उनको कॉल करके ही बोलेंगे कि जल्दी से रेडी हो जाओ। नहीं फरा आवाज़ आ रही है क्या? जल्दी से रेडी हो ना, क्यों तो जाने का है ना। वो बोल रहे पैर बहुत दुख रहे हो फरा के ना, सुबह से पैर भी बहुत थोड़े सूज गए हैं, तो जाना है या नहीं हमें, ठीक है वैसे बता दो मेरे को कॉल करके। फरा से बात करने के लिए मुझे कितना ऊपर देखना पड़ रहा है, अभी भी वहीं पे रुके हैं और बोल रहे हैं कि आज नहीं होगा मेरे से। सच में उनके आज पैर बहुत दुख रहे हैं और ज़्यादा भी सूज गए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि एक बार शायद डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बहुत ज़्यादा सूज गए हैं इस वजह से शायद उनको मन नहीं कर रहा है आने का। वो बोल रहे हैं कल जाएंगे, देखते हैं अभी। भाई अभी किधर बाहर गए? अभी जस्ट आया मगरिब की नमाज़ पढ़ के। पता नहीं कि फरा वो अभी रेडी हुए या नहीं या जाना है या नहीं, क्योंकि कॉल आया था लेकिन मैंने कॉल करा नहीं उनको वापस से। बोला घर पर जाके ही बात करते हैं बाद में जो मेरे कैसे हो गए, पूछते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है फरा को जाना है, इसलिए उन्होंने मेरे को कॉल किया है। चलिए हम आ गए हैं अभी डी मार्ट में, जो कि कोंडवा के डी मार्ट में हम तो पहली बार आए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्दी है, शायद बहुत लोग आते होंगे और बड़ा भी है। अभी यहाँ से स्टार्ट करें तो जाते हैं आगे। क्या ले रहे हो? मैं फरा और भाभी आए और अम्मी भी अब्बा आने वाले हैं अभी। भाई हमारे को छोड़ के चले गए, हमने बोला रुकने के लिए भाई को, लेकिन भाई रुके नहीं। कोई बात नहीं, हम शॉपिंग करके आएँगे। मैं आया हूँ इन दोनों के साथ में तो ये बहुत ज़्यादा टाइम करेंगे। पहले मैं और फरा आते तो इतना टाइम नहीं होता था, मैं जल्दी जल्दी फरा को बोलता था ले लो और चलो। अभी भाभी है फरा है तो ये बहुत ज़्यादा अभी घूमेंगे और मुझे घूमना पड़ेगा इन दोनों के पीछे। तो अभी डीमार्ट की शॉपिंग पूरी हो गई है और हम लोग अभी आए हैं यहाँ पे मंचूरियन खाने के लिए। उसके एग्जैक्ट अपोजिट में ही था, दूर से हमने पहचाना तो अभी हम आ गए हैं, अभी खाते हैं। ये समीर हमको खिला रहे हैं। मुझे यहाँ का डीमार्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बस बहुत ज्यादा गर्दी है। क्यों पसंद नहीं आया समीर? बोल रहा ना बहुत ज्यादा गर्दी है और ज्यादा हमने कुछ लिया ही नहीं, थोड़ा सा लिया है, कम लिया है। अभी मंचूरियन खाते हैं फिर हम जाएंगे घर पे। ये अभी हम आ गए हैं और ये जो लाइट चालू है जहाँ पे फैन सूख रही है वो हमारी बिल्डिंग है। समीर चलो आगे। समीर ने यहाँ पे अपने फ्रेंड भी बना लिए। यहाँ पे एक चिकन की दुकान खुली है अभी हमारे नीचे, बाकी क्या नहीं? नहीं 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 लग रहा मुझे, बराबर मेरे माप का है वो। शाम के टाइम आके रील्स वगैरह बना सकते हैं, लेकिन आप आएंगे तो ना। नहीं रे बाबा, अरे वो पैर आपके ये हो जाएंगे थोड़ा, बहुत अच्छे पैर है। पैसेज में आज रिक्शा के लिए तो इतनी परेशानी हो गई थी ना, हम लोग रुके रुके पहले इतने लोगों को हम पूछ रहे रिक्शा वालों को, लेकिन कोई भाव ही नहीं देना, बोल रहे नहीं नहीं नहीं। फिर हमने ओला किए, ओला करने के बाद में समीर है ना किसी और ओला में हमको बिठा दिए, कोई और ही ऑटो थी वो। और फिर ओटीपी डालने के बाद पता चला कि वो ऑटो हमारी थी ही नहीं। अच्छा वो लेकिन नहीं है समीर, चलो काटे वाया उसने मेरे को एक बार, इसने नहीं मतलब ऐसे समीर।
तो ये आज हमारे घर में बन रही है बिरयानी। नए नए भगोने अम्मी बना रहे। अम्मी को हमेशा आदत यही है, जब भी वो कुछ भी करते हैं तो पहले बिस्मिल्लाह बोलते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी आदत है अम्मी है ना, और आपका देख के मुझे भी वही आदत लग गई है। मुझे तो उठते बैठ खाने की नहीं, उठते बैठते कुछ भी करती रहे ना तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ही आता। अभी हमारे घर में ही डब्बे वे ऐसे ही दिख रहे हैं सामने, लेकिन बहुत जल्दी इसको भी कुछ ना कुछ करेंगे बंदोबस्त। चलो अभी फिलहाल के लिए ये एक फैन लिए जो कि हमारे घर में भी ऐसा ही है, ग्रे कलर का। अभी हम जाते हैं, चलो समीर हम जाके आएंगे जल्दी से। ये भी पकड़ो बाहर। तो अभी हम लोग पार्किंग में यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ थोड़ी देर के लिए, अच्छा लग रहा है इसके लिए। और ये रहे समीर कि वो जो जियो वाला मोबाइल था वो घर पे रख के, अगर वो लाए होते ना तो उससे कनेक्ट करके हम वीडियो बनाए होते, क्योंकि एयरटेल का ना बहुत जगह प्रॉब्लम चल रहा है शायद, है ना, इधर के उधर ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं, जाने दो, दो दो है अभी अपने पास, जियो भी है। तो अभी जाते हैं ऊपर और एक ही रील्स वीडियो हमारा बना, अभी ऊपर जाके देखते हैं उधर बनाते हैं। अल्लाह मेरा पेट तो है ना ऐसा हैवी हो गया है बहुत। अभी दो ही महीने बचा है, हो जाएगा उसके बाद। ये है लिफ्ट, अभी ये वाली जो लिफ्ट है ये इस साइड वाली है, हमारी लिफ्ट जो है वो वाली साइड है, हाँ वो, लेकिन अभी तक चालू नहीं किए हैं। और उजाला तो कितना है ना लाइट का, माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, दिल भी लग रहा है, ऐसे बोर भी नहीं हो रहा है हमको, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो लिफ्ट आ गई है तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। और एक किस्सा है जो कि लिफ्ट का है, मैं जैसे मेरे को थोड़ा टाइम मिलेगा ना, अभी तभी पहुँच जाएंगे हम सेकेंडों में, तो इसके लिए जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना थोड़ा सा, तो मैं आपको बता दूँगी।